आप लोगों को स्वागत करता हूँ। ये वीडियो जो मैंने जो वाइसल लेवल कम स्किनर बनाया और वाइसल लेवल थ्री बनाया हूँ, इसको मैंने मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। आप लोग फ्री ट्रायल के लिए आप लोग कुछ दिन के लिए ज्वाइन हो सकता है। इसका लिंक व्हाट्सएप का लिंक इसका वीडियो के अंत में आप लोग को दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। और इसका फाइल कैसे है वो भी आप लोग को लिंक आप लोग को दिया जाएगा, वो सैम्पल फाइल आप लोग डाउनलोड करके देख सकता है। और मेरा ये जो मेरा पेड सर्विस है, मेरा ओपन असटेड में अकाउंट ओपन करेंगे तो आप लोग को इधर से मिल जाएगा। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं और भी इसके अलावा आप लोग एक्सेल फाइल छोड़ के जो और भी आप लोग कुछ देता हूँ तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो भी वीडियो देखिए, मैंने पेयर ट्रेडिंग वाला स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। तो इधर देखिए, मैं इधर देखिए आप लोग देख सकते हैं पेयर ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट आता है। इधर देखिए आप लोग, वो भी आप लोग देख सकता है। इधर से मैंने एक व्हाट्सएप में आप लोग जो लोग एक्सेल फाइल यूज़ नहीं कर सकता है और जो यूज़ नहीं करना चाहता है तो उनको भी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मैनुअली कॉल दिया जाएगा, तो वो भी आप लोग जान सकता है। तो ये वीडियो बाइसल लेवल आपको काम कैसे काम पे आएगा ये आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने बहुत बार बोलता हूँ इसमें बाइसल लेवल वन, बाइसल लेवल टू और बाइसल लेवल थ्री, आप लोग बाइसल लेवल वन में भी काम कर सकता है। ये बाइसल लेवल थ्री थोड़ा सा देर में आता है लेकिन बहुत ही रिलायबल है, इसे सेपरेट प्रॉफिट सेफ एंड श्योर प्रॉफिट दिला सकता है। तो और इसमें कुछ स्ट्रैटेजी भी लगा हुआ है बाइसल लेवल ऑल बाइस, इसमें ऑल बाइसल लेवल फ्रॉम स्किनर वन रहता है। इसमें कुछ इंडिकेटर वॉलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, कुछ इंडिकेटर आप लोग देख सकता है ये कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ये सब क्रॉस ओवर, वो इसमें कुबलिंजर ब्लैंड, VWAP, ये सब देख के आप लोग स्क्रीन कर ले सकता है। और इधर बाई ऑनली बाई से लेवल थ्री रहता है जिसमें आप बाई से लेवल थ्री में अप ट्रेंड में बाई से लेवल है और डाउन ट्रेंड में भी बाई से लेवल है। अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे उसको पकड़ना सही रहेगा जो आप लोग को सी प्रॉफिट दिला सकता है, नहीं तो गलत एंट्री होने से आप लोग को लॉस हो जाएगा। और डाउन ट्रेंड में जो है वो रिटेस होकर बाई जाएगा तो ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे बाई करना है, और भी नीचे जाएगा तो कौन सा, इसीलिए अपसेल में बाई अप ट्रेंड में वाइसल लेवल और डाउन ट्रेंड में वाइसल लेवल रखा हूँ। और इधर कौन लेवल पे है वो भी आप लोग को दिख जाएगा। और इधर से और भी कुछ मैंने इंडिकेटर लगा के रखा हूँ तो इसी को देख के आप लोग को ट्रेंड का पता चल जाएगा। इधर देखिए दूसरा एक स्ट्रेटजी मैंने मतलब कुछ और भी और दूसरा इंडिकेटर्स आप लोग देख सकते हैं इधर से लगा के रखा हूँ, उसका क्रॉस ओवर देख के आप लोग अच्छी तरह से लाइव मार्केट में स्क्रीनिंग करके इसका फ़ायदा उठा सकता है। और सेफ है, उसके बाद आप लोग दो चीज़ रहता है स्टॉक मार्केट ट्रेड करने के लिए, ट्रेंड पकड़ना है और ट्रेंड पकड़ना है और बाइसल लेवल करेक्ट एंट्री लेना है, तो वो आप लोग को इधर से बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बाइसल लेवल थ्री में मैंने ओनली बाइसल लेवल थ्री मैंने कहता हूँ जो रखा हूँ जिसमें आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का बाइसल लेवल रहता है। इधर से आप लोग को ट्रेंड और भी अच्छी तरीके से पकड़ने से मैंने 534 जो कि ओसिलेटर का क्रॉस ओवर होता है, जीरो लाइन का क्रॉस ओवर होता है, उसमें वो देख के आप लोग ट्रेंड को पहले पकड़ लीजिए। उसके बाद मैंने प्रीवियस क्लोज के साथ करेंट हाई करेंट लो और करेंट क्लोज प्रीवियस क्लोज के साथ कंपेयर करके मैंने इधर रखा हूँ। ये इसमें इक्विटी स्टॉक्स कमोडिटी फ्यूचर्स सभी आप लोग को ऑप्शन सब आप लोग को मिल जाएगा, तो ये आप लोग को देख सकते हैं। और आज कितना प्रॉफिट हुआ और कैसे परफॉर्म किया वो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए इधर मैंने कल रात G4 और F करेंट और इधर वो ऐसे करके पूरा फार्मूला आप लोग बना के आप लोग को प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो इधर देखिए, इधर जो करंट लो है ये DH कॉलम है और ये रो है देखिए 4 इधर से, और इधर मेरा सेल का एंट्री लेवल है M, बाई अप ट्रेंड का सेल का एंट्री लेवल है M कॉलम, और बाई का एंट्री लेवल T कॉलम और सेल का एंट्री लेवल AA कॉलम आप लोग देख ले सकते हैं। उधर से आप लोग को फार्मूला दे देता हूँ, इसको बहुत आसान तरीके से पहले आप लोग को
ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड ट्रेंड आप लोग इधर से स्क्रीनिंग करके, मैंने मेरा ये पहले वाला वीडियो देखिए कैसे स्क्रीनिंग किया जा सकता है ये फाइल को। ये पहले आप लोग अप ट्रेंड और या डाउन ट्रेंड में है, पहले वो स्टॉक्स देख लीजिए, उसके बाद ओनली अप ट्रेंड में वाइसल लेवल देखिए, नहीं तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड का वैसे बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इधर से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। देखिए मेरा कल जो मैंने खुद रिकमेंड कर मैंने खुद जो दिया था उसका कुछ दिखा देता हूँ। देखिए भारती एयरटेल, इंफाटेल, हिंदल को, जिंदा स्टील, जे एस डब्ल्यू स्टील, ये सब अप ट्रेंड में आप लोग इधर से पढ़ सकता है। तो देखिए इधर मैंने जो अप ट्रेंड में दिया था, इधर देखते हैं इंफ्राटेल, इंफ्राटेल में वो लेवल आया था वो आप लोग को दिखा देता हूँ। उस टाइम जो मैंने दिया था इंफ्राटेल देखिए इन्वर्टेल का सेल लेवल आया था, अप ट्रेंड का सेल लेवल मैंने दिया, बोला था कि अप ट्रेंड में जो है अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल है कि नहीं तो डाउन ट्रेंड। इन्वर्टेल देखिए 200 उस टाइम 232 का लो हुआ है और उधर मेरा एंट्री लेवल था, देखिए इन्वर्टेल का एंट्री लेवल था 239। तो और ये आप लोग को ये एंड ऑफ द डे डाटा लेके जो देता हूँ उसको आप लोग, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि उसके ऊपर काम कीजिए, उसके बाद लाइव मार्केट में आप लोगों को कोई कॉल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या कितना बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया है, जे एस डब्ल्यू स्टील देखिए वो भी अप ट्रेंड डाउन साइड में दिया है। इधर देखिए आप लोग को जे एस डब्ल्यू स्टील मेरा एंट्री लेवल था 255 और 251 तक ये करेंट लो मरा, मैंने आप लोग को चार्ट से भी दिखा देता हूँ लाइव मार्केट वॉच में, जो कहा कि आप लोग को मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और चार्ट से कैसे मैच किया जाए। देखिए 251 लो मरा है, इधर आप लोग को चार्ट से भी दिखा देता हूँ। देखिए इन्फर्टेल आज 200 मरा है, इधर चार्ट पे भी आप लोग देख सकता है। जे एस डब्ल्यू स्टील उसको ये भी आप लोग देख सकता है। उसके बाद देखिए मैंने बोल देता हूँ रिलायंस का लेवल आया था इधर से, रिलायंस इधर 573 में मेरा था और थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बाद में और भी एक फाइल मैंने शेयर किया था 24 नंबर, उसमें भी आप लोग को लेकर लाया था। तो ये देख के आप लोग प्रॉफिट देख सकते हैं, जो और कोई भी मैंने जो नहीं दिया था वो भी आप लोग देख सकता है। और जो मेरा पेयर ट्रेडिंग वाला वीडियो आप लोग देख लिया, सोच लीजिए कोई भी एक स्टॉक्स चुन लेते हैं इधर से, इधर देखिए जो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड वाला कोई भी, इधर देखिए भारत फोर्ज देखिए ट्रू दिखा रहा है। तो इधर एंट्री लेवल कौन सा था, एंट्री लेवल था इधर भारत फोर्ज का 655.94, मतलब 656 ही पकड़ता है। उसके बाद कितना हाई मरा है देखता है 663 460 से आप लोग 400 कितना था 456, तो उधर से 465। बहुत ही आसान ये एंड ऑफ द डे फाइल का बेसिस पे ये देखता है। तो आप लोग मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, तो ये आप लोग एंड ऑफ द डे फाइल 463 आई मरा है, 4.2 का कोई कम नहीं है कुछ। और यह देखिए बायोकॉन देखिए 270 इधर आई मरा है उसके बाद। और इधर देखिए मैंने ऑप्शन में और निफ्टी बैंक निफ्टी का आप लोग इधर से देख ले सकता है, कोई भी आप लोग देख सकता है उधर से। देखिए उज्जीवन देखता है 315 ये हाई मरा है, तो मेरा एंट्री लेवल था 315 या 314.86 315 के ऊपर हाई मरा है, ये थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए राइट टाइम में, इधर 315 तक था उसके बाद गया नहीं है, लेकिन इधर से आप लोग डाउन ट्रेंड का जो बाई ट्रेंड देखेंगे तो और भी अच्छी तरह। इधर से क्रूड ऑयल इधर से मिल गया और इधर देखिए जो देखिए निफ्टी का एंट्री लेवल था, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये डाउन ट्रेंड का मतलब बाई का एंट्री लेवल था 383 में, उसके बाद 791 हाई मरा है, 12137 तक का ये हाई मरा है। इधर देखिए ऑप्शन में मैंने मेरा कॉल था, ऑप्शन का भी आप लोग को दिखाता हूँ, एकदम लास्ट में मैंने ऑप्शन का देता हूँ। देखिए ये बैंक निफ्टी 31500 का 369 हाई हुआ है, तो आप लोग इधर से पकड़ सकता है।
395 से इसका देखिए उस टाइम कल ये हाई लो क्लोज था, उसके बाद 395 इसका बाय का एंट्री लेवल था, और देखिए इसका पूरा इसका देखिए 100